सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पूरी ध्यान से पढ़ें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 52 मीटर लंबे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है तथा 6 मीटर फिसल जाता है, तो वह खंबे पर चढ़ने में कितना समय लेगा? यानी हमारे पास एक खंबा है जिसकी लंबाई है 52 मीटर, उस पर जो है बंदर 1 मिनट के अंदर 8 मीटर चढ़ता है और उसी मिनट के अंदर 6 मीटर फिसल जाता है, यानी इन दोनों के अंदर जो है अंतर आ गया हमारे पास 2 मीटर का, यानी उसका जो रियल जंप है वो आ गया हमारे पास 2 मीटर। अब दोस्तों हमें सिर्फ ट्रिक अप्लाई करनी है। हमारे पास ट्रिक है, हाई कोर्ट जज, इसके अंदर हमें एक प्लस करना है। उम्मीद है आपको ट्रिक याद हो गई होगी, हाई कोर्ट जज +1। इसके अंदर अब हमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे हमारे पास क्या था, एच से हमारा हो गया हाइट, हाइट हमारे पास थी खंबे की 52 मीटर। सी से क्लिंब, यानी वो कितना चढ़ा था, तो वो कितना चढ़ा था 8 मीटर। उसके बाद जो नीचे जे से हमारा हो गया जंप, यानी उसका रियल जंप कितना था, उसका रियल जंप हमारे पास आया था 2 मीटर। प्लस में हमें क्या करना है, प्लस में हमें कर देना है 1। इसको अब हमें सोल्व करना है सिर्फ। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 44/2 + 1, इसे हम यहां से काट देंगे, हमारे पास आ गया 23। यानी हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 23, यानी उसे लगेंगे 23 मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बंदर एक खंबे पर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो वह 62 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ने में कितना समय लेगा? तो दोस्तों हमें दिया हुआ है एक खंबा जिसकी लंबाई है 62 मीटर, उसके ऊपर एक बंदर पहले मिनट के अंदर 8 मीटर चढ़ता है तथा उसके बाद जो है दूसरे मिनट के अंदर 2 मीटर फिसल जाता है, इन दोनों के अंदर जो है अंतर वो आ गया हमारे पास 6 मीटर का, यानी 6 मीटर जो है उसका रियल जंप हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यही खास बात है कि इसके अंदर हमें अलग अलग जो है मिनट्स दिए हुए हैं, यानी पहले मिनट के अंदर वह 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट के अंदर 2 मीटर फिसल जाता है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट थी। ये जो अंतर है, ये जो भी स्टूडेंट समझ गया वह हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेगा। तो हमारी ट्रिक थी हाई कोर्ट जज +1। अब दोस्तों यहां पर 2 मिनट की बात है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 मिनट की बात होती तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। इस तरह से जो भी दिया होता उसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास हाइट है 62 मीटर की, माइनस उसने जंप किया था 8 मीटर, बटे में रखना है हमें उसका रियल जंप, रियल जंप था 6 मीटर का, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस में क्या करना है 1। अब इसे सोल्व करना है हमें, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54/6 मल्टीप्लाई में 2 + 1, इसे काट देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 9 2 18 + 1 19, यानी 19 मिनट उसे लगेंगे खंबे पर चढ़ने में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।